इच्छाधारी पेड़। एक यात्री गर्मी के दिनों में रेगिस्तान से गुजर रहा था। वो बहुत थका हुआ था, प्यासा और भूखा भी था। उसे कम से कम थोड़ी देर के लिए आराम करना था। कुछ दूर उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। वो बहुत खुश हो गया। वो उस पेड़ के पास गया और उस पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसने सोचा, काश मुझे पीने के लिए ठंडा पानी मिल जाता। अचानक उसे ठंडे पानी से भरा एक ग्लास दिखा। उसने तुरंत ही वो पानी पी लिया। फिर उसने चाहा कि उसे खाने के लिए कुछ मिल जाए। तुरंत ही उसके सामने तरह तरह का खाना दिखाई दिया। वो एक कल्प वृक्ष था, एक जादुई पेड़ जिसकी छाया के नीचे वो बैठा था। वो एक इच्छाधारी पेड़ था। जो कोई उसके नीचे होता था, उसके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। यात्री ने स्वादिष्ट खाने का आनंद लिया। अब उसे नींद आ रही थी। उसने एक अच्छे बिस्तर की इच्छा की। उसे वो भी मिला। नरम गद्दे पर वो आराम करने लगा। उसके पैर दर्द कर रहे थे, क्योंकि वो दूर से चल के आया था। उसने सोचा कि काश कोई उसके पैरों की मालिश कर दे। तुरंत ही उसको एक सुंदर लड़की अपने पैर के पास दिखाई दी और वो उसके पैरों की मालिश करने लगी। वो जल्द ही सो गया। कुछ देर बाद जब वो उठा तो उसने देखा कि वो सुंदर लड़की अभी भी उसके पास ही बैठी है। वो अब अलग तरह से सोचने लगा, क्या ये सब सच हो सकता है? ये सब सच में मेरे साथ हो रहा है, या ये कोई जादुई राक्षस की चाल है? ओह, ये क्या? लड़की की जगह उसे एक राक्षस दिखाई दिया। राक्षस उस पे जोर जोर से हंस रहा था। यात्री ने सोचा, क्या ये मुझे खा जाएगा? तभी राक्षस उसकी तरफ भागा। यात्री बहुत डर गया। डर कर वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। दौड़ते दौड़ते वो दूर पहुंच गया। जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई राक्षस नहीं था। ये सब क्या हुआ? क्या सच में ये चीजें हुई थी, या ये सब कोई सपना था? उसने सोचा कि शायद हम जो सोचते हैं, जिसकी इच्छा करते हैं, हमारे साथ वही होता है। ये कहते हुए उसने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। सीख: हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और अच्छी इच्छा करनी चाहिए।